हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2018-19 की जो एक्सपेक्टेड कटाव हो सकती है, जो संभावित कटाव हो सकती है उसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है या फिर उसका फॉर्म डाला है या फिर आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको जो है मिनिमम मार्क्स जो मार्क्स है वो कितने लाना है। ठीक है, मिनिमम नंबर आपको कितने लाना है एसएससी जीडी में। यहाँ पर मैं अगर कैटेगरी में अगर बात करूँ जनरल और जो एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, उनकी अगर बात करूँ तो आपको जो है 35% लाना जो है अनिवार्य, अर्थात 100 नंबर का पेपर है तो 100 में आपको जो है 35 नंबर लाना अनिवार्य है। दूसरी, अगर एसटीएससी और ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 33% आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके ऊपर जो है कट ऑफ जाएगा, आपको ये भी चेक लेके चलना है कि 33 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो 2015 में जो कट ऑफ रही थी उसकी, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो उसके हिसाब से जो है हम अब 2018-19 का जो है कट ऑफ आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर राज्यों के अनुसार बात करूँ तो सबसे पहले बात करूँगा आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी या फिर ओरिजिनल कट ऑफ थी सन 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जनरल के लिए जो थी 48 थी। ठीक है, उसमें जो है ओबीसी एसटीएससी के लिए जो है वहाँ पर सीटें नहीं थी। ठीक है, और जो है 35 जो है वहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो थे उनकी जो कट ऑफ थी। ठीक है, यहाँ पर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इनके क्या क्या कट ऑफ थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर बात करूँ तो वहाँ पर 35 जो जनरल थी, 33 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 33 और एससी के लिए भी 33। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 35। यहाँ पर ये तो लेके चल रही है एक्स सर्विसमैन की जो है कट ऑफ हर राज्य में लगभग 35 जो है थी। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पर 35 था जनरल के लिए। ठीक है, यहाँ पर 33 जो ओबीसी एसटीएससी सभी के लिए जो है 33 रखा गया था। ठीक है, उस समय जो कट ऑफ गई थी। अगले समय बात करूँ चौथे की, तो असम की बात करूँ तो असम में जो है 35, 33, 33 और 33 हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, बिहार का भी देख लीजिए जो है 55, जो इसका जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है इस विभाग में जो है भाग मतलब फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी जो है ज़्यादा जो है इसका क्रेज़ है। ठीक है, तो वहाँ पर ओबीसी का कितना गया था, 49 गया था। ठीक है, और 33 और जो है एसटी का सबसे ज़्यादा गया था वहाँ पर 52। ठीक है, आपको ये आप याद रखना है। ठीक है, अगला बात करें तो छत्तीसगढ़, ठीक है, सॉरी चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर चंडीगढ़ में जो है कि इनकाउंट जो है वहाँ पर गया था किसका, जनरल का, और 47 जो गया था ओबीसी का गया था। ठीक है, और वहाँ पर जो है एसटीएससी के लिए सीटें नहीं थी। ठीक, दूसरा बात करूँ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो है 51 और जैसे ओबीसी की बात करूँ तो 49 गया था, और वहाँ पर जो है एसटीएससी के लिए 44 और 47 गया था। ठीक है, यहाँ पर इनमें ज़्यादा हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आप कहाँ पर ज़्यादा गया था, सबसे ज़्यादा गया था हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गया था 70 गया था। ठीक है, जिसका जनरल का और ओबीसी का जो है 67 गया था, और जो एससी का है 58 गया था, और वहाँ पर एसटी की सीटें नहीं थी। ठीक है, बाकी फिर सभी राज्यों में कॉमन है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा गया था 62। ठीक है, यहाँ 57 और 54 54। ठीक है, मतलब सभी का जो है हाईएस्ट कट ऑफ वहाँ पर गया था। ठीक है, अगली मैं बात करूँ यहाँ पर देख सकते झारखंड में थोड़ा सा ज़्यादा गया था। ठीक है, और फिर बाकी तो सभी राज्यों में नॉर्मल ही है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में 58 गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 58 54 48 और 50। ठीक है, मतलब एसटीएससी ओबीसी जनरल के लिए सभी के लिए जो है नॉर्मल कट ऑफ गया था। ठीक है, बाकी सभी राज्यों के यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 42 जो 35 या फिर मतलब 50 के नीचे ही जो है यहाँ पर कट ऑफ है सभी जो है वर्गों के लिए। ठीक, बाकी जो है बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जो है कट ऑफ गया था। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, राजस्थान में जो है सभी के लिए जो है हाईएस्ट कट ऑफ गया था, जो मतलब 66 कट ऑफ गया था। और दूसरी यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है 65 कट ऑफ, 62 65 और 53। ठीक है, तो इनको देखते हुए जो है हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकाला है, तो आपको जो है यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको 2018-19 की जो कट ऑफ उसके ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि सभी राज्यों का जो है लगभग जो है सेम कट ऑफ जाने वाला है। 2000 मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 की कट ऑफ की। ठीक है, सभी में जो है लगभग सेम कट ऑफ जाएगा, कुछ 2 से 4 अंकों का जो है डिफरेंस हो सकता है बाकी राज्यों की तुलना में। जैसे मैंने बताया बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो है 2 से 4 नंबर का जो है हाइस्ट कट ऑफ जाएगा, बाकी सभी राज्यों में जो है कॉमन कट ऑफ होगा। ठीक है, इसलिए हम जो है स्टेट वाइज कट ऑफ पर जो है एनालिसिस न करते हुए बाकी सभी पोस्ट के हिसाब से जो है वहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं जनरल की, ठीक है, 2018-19 की, तो वहां पर जो है 75 से 80 कट ऑफ जाएगा। अब किस लिए जाएगा इसको भी देख लीजिए, क्योंकि 2018 का जो पेपर हुआ है, ठीक है, बहुत ही आसान पेपर हुआ है। बच्चों ने जिस प्रकार से पेपर देने के बाद जो एनालिसिस दिया, तो उसमें हमने मतलब इतने मतलब कर लिए, तो बहुत आसान पेपर आया था, इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ 75 से 80, क्योंकि नॉर्मल जो है कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से आप कर लीजिए 5 जो कम कर लीजिए। अब 5 इसलिए कम कर लीजिए कि क्योंकि जो है 54,000 से जो बढ़कर वैकेंसी है वो हो गई है 73।
ठीक है, तो इनके जो बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे जो है 5 नंबर जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेके चलिए 70 से 75। ठीक है, 70 से 75 जो है ओबीसी का लेके चलिए। ठीक है, अब दूसरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी का मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 70 से 75 दिया, तो इसको आप क्या लेके चलिए, 65 से जो है 70 लेके चलिए, इसलिए क्योंकि 54 से लेकर 73 जो है वैकेंसी हो गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है 5 इसमें सभी को कम करना है। ठीक है, एसटीएससी की जो है यहाँ पर आपको लेके चलना है 55 से 60। ठीक है, 55 से 60 जा सकती है, और दूसरी एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 50 से जो है 55 जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि एसटीएससी की जो है 50 से जो है 55 जा सकती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार का कट ऑफ आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपको सभी में जो है 5-5 अंक कम करके लेना है, इसीलिए कम करके लेना है क्योंकि यहाँ पर जो है वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी जो पोस्ट है जिस प्रकार की, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर हम कट ऑफ को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ की इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाना चाहेगी क्योंकि अभी जैसे पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो है हर प्रत्येक व्यक्ति जो है सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहता है। अगर आप भी सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं या फिर किस पोस्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, अगली बात करूँ तो बीएसएफ। ठीक है, यहाँ पर सीआरपीएफ का सबसे पहले बात करूँ तो 70 से 75 जो जनरल के लिए हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए जो है 65 से 70 जो कटाव होगा, और एसटीएससी के लिए 60, 65 और 65 से 70। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो है ये जो है कटाव जिस प्रकार से फॉर्म डले है और जो चॉइस फिलिंग हुआ है उसके हिसाब से जो है कटाव आपको बताई जा रही है। अगला बीएसएफ की मैं बात करूँ तो बीएसएफ में जो है 65 से 70 कटाव जाने वाला है काय का जनरल का। ठीक है, और यहाँ पर 65 से 70 जो है ओबीसी का होगा, और 61 से 65 जो है और एसटी का, और 55 से 60 जो है यहाँ पर एसटी का होने वाला है। ठीक है, अगले चलते हैं एसएसबी। ठीक है, अगला बात करूँ तो एसएसबी में जो है 80 से 85 कट ऑफ इसलिए जाएगा क्योंकि ये इस पोस्ट को जो है अधिक लोग जो है चॉइस करते हैं। ठीक है, एसएसबी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल है। ठीक है, इसमें अगर बात करूँ तो 75 से 70 से 75 ओबीसी का हो जाएगा, और यहाँ पर 66 से 70 जो है एससी के लिए रहा जाएगा, और जो एसटी के लिए है वो हो जाएगा कितना, 60 से 65। ठीक, अगला सीआईएसएफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी ज़्यादा हाइस्ट कट ऑफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर अधिक कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ पर 80 लेके चले तो आपको जो है 75 से लेकर जो है 80 लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कम कुछ नंबर कम कर सकते हैं आप, क्योंकि जो है वैकेंसी को बढ़ा दिया गया, जिसमें सीआईएसएफ को ज़्यादा बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसमें कम जो है कहना चाहिए कट ऑफ कम होगा। ठीक है, ओबीसी की अगर यहाँ बात करूँ तो 70 से 75 ही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर 65 से 70 कट ऑफ जाएगा, और अगला जो है यहाँ पर 60 से 65 कट ऑफ जाने की संभावना है। अगला मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईटीबीपी। ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 60 से 75 कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 65 से 70, और यहाँ पर अगर बात करूँ तो 61 से 65 और 55 से 60 जो है कट ऑफ जाएगा। अगला जो बात करूँ एआर की, ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें जो है असम राइफल की अगर बात करूँ तो 83 से 88 कट ऑफ जा सकता है। अब इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, यहाँ पर भी जो है पोस्टों को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर आप लेके चलिए 70 से लेकर जो है 75 कट ऑफ लेके चलिए यहाँ पर भी। ठीक है, अगला यहाँ पर बात करूँ तो इसमें भी 70 से 75 ही जाएगा, और यहाँ पर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, 60 से 65 जो है इन दोनों में होने वाला है। अगला यहाँ पर बात करूँ एसएसएफ। ठीक है, एसएसएफ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है 85 से 90 नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हाइस्ट कट ऑफ इतना रखा है क्योंकि वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर कट ऑफ कम जाने वाला है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, यहाँ पर जो है लगभग 75 से जो है आपको 80 कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसी में भी जो है सेम ओबीसी और जो जनरल का है सेम कट ऑफ जाने वाला है, यहाँ पर जो है आपको 65 से 70 कट ऑफ इसमें जाने वाला है। ठीक, अगला यहाँ पर बात करूँ एनआईए की। ठीक है, एनआईए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 80 से 85 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पोस्ट होती है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है हाईएस्ट होने वाला है। ठीक है, 80 से जो है 85 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर अगर बात करूँ तो 85 से 90 यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी जो है आपको 80 से 80 लगभग कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरी अगर मैं बात करूँ 80 की, तो यहाँ पर जो है आपको 70 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आपको 65 से 70 कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, आपने एग्ज़ाम दिया होगा उस जो उस रिव्यू के हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपको 35% और अगर आप एसटीएससी ओबीसी से है तो आपको 33% जो है लाना अनिवार्य है, और आपने जो है उतना तो अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने कट ऑफ बताया तो वहाँ पर वैकेंसी बढ़ने के कारण वहाँ से कुछ है जो है 4 से 5 अंक आपको
कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां आपने 75 देखा है वहां पर आपको 70 कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी जीडी का जो है पोस्ट बढ़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आप भी जो है अपना कमेंट में बताइए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं, और आप जो है आपके हिसाब से जो है कट ऑफ भी आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको जो है डेली की अपडेट मिलती रहे नौकरी की, या फिर जो भी हमारे पास अपडेट आती है हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।